जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AQI के विषय में। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम कम्प्लीटली समझेंगे कि आखिर ये AQI क्या है, AQI आपके आसपास की एयर के अंदर कितना रहना चाहिए, और यहाँ पर AQI के अंदर PM2.5 और PM10 ये क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये AQI क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, AQI का पूरा नाम है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि ये एक ऐसी इंडेक्स है जो ये बताती है कि जिस हवा में या जिस भी एटमॉस्फेयर में आप सांस ले रहे हैं वहां की एयर क्वालिटी क्या है, यानी कि ये हमारी हवा की जो गुणवत्ता होती है उसको बताने का काम करती है। अब दोस्तों यहां पर जब भी एयर क्वालिटी को इंडेक्स किया जाता है, एयर क्वालिटी को मेजर किया जाता है, तो वहां पर कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाता है, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो एयर क्वालिटी है उसके अंदर कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स, यानी कि ऐसे कण जो हवा को प्रदूषित कर रहे हैं वो कौन कौन सी हैं और वो कितनी क्वांटिटी में हैं। दोस्तों आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसे कण हैं जो कि आमतौर पर रहते हैं, और वो कण हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, और यहाँ पर हमारा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पर्टिकुलेट मैटर, यानी कि PM, जिसको हम PM2.5 या PM10 भी कहते हैं। दोस्तों जब भी एयर क्वालिटी की बात आती है तो यहाँ पर PM10 और PM2.5 सबसे पहले नाम में आते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि किसी भी एयर की क्वालिटी को कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो PM2.5 है ये ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है या फिर उतना होता है। दोस्तों यहां पर बात करें, हमारा जो PM10 है ये वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनका डायमीटर या तो 10 माइक्रोमीटर का होता है या फिर इससे कम होता है। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलेट मैटर्स यानी कि PM वाले पोल्यूटेंट्स होते हैं ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनको पहले तो आप इनको अपनी जो खुली आंखें जैसे नॉर्मली आप देखते हैं वैसे आप इनको देख नहीं सकते, और दूसरा जब भी आप सांस लेते हैं तो उस सांस में जो भी हवा आप इनटेक कर रहे हैं, जो भी हवा आप अपने अंदर ले रहे हैं, उस हवा के अंदर ये कण इजीली जा सकते हैं क्योंकि इनका जो साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनका जो मेन कारण होता है वो होता है यहां पर हमारे जो कंस्ट्रक्शन या फिर जो रोड हमारे खराब हैं उन पर जो धूल और जो मिट्टी जो उड़ती है वो यहां पर मेन रोल कहीं ना कहीं प्ले करती है। इसके अलावा जो हमारे अदर केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं वो निकलते हैं हमारे पावर प्लांट से, इंडस्ट्रीज से, और यहां पर जो ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज हैं उनसे। दोस्तों बात कर लेते हैं कि सरकार ने जो भी इंडेक्स आपके लिए बना रखी है कि इतना AQI आपके लिए सेफ है, इतना सेफ नहीं है, वो क्या है। तो दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर 6 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं जो आपके एरिया की एयर क्वालिटी को कहीं ना कहीं इंडेक्स करती हैं, उसको कहीं ना कहीं वो डिफाइन करती हैं। तो दोस्तों यहां पर जो सबसे पहली कैटेगरी है उसका जो AQI है वो है 0 से लेकर 50, यानी कि अगर आपके एरिया का AQI 0 से 50 तक रहता है तो यहां पर उस एरिया की हवा को अच्छा माना जाता है। इसके बाद हमारी जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है 51 से लेकर 100, यानी कि अगर आपके एरिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से लेकर 100 के बीच में है तो यहां पर आपके एरिया की हवा की क्वालिटी सही कैटेगरी के अंदर आती है। दोस्तों यहां पर इसके बाद हमारी जो थर्ड कैटेगरी आती है उसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहती है वो है हमारी 101 से लेकर 200, यानी कि 100 से लेकर 200 तक अगर आपके एरिया की हवा की क्वालिटी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो यहां पर इसको थोड़ा खराब की कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद आता है हमारा 201 से लेकर 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि खराब कैटेगरी में आता है, और इस तरह की अगर एयर में साफ सांस ले रहे हैं तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर 301 से लेकर 400 की कैटेगरी आती है जो हमारी 5th कैटेगरी है, और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बहुत ही ज्यादा खराब की कैटेगरी में आती है। यहां पर जो सांस लेने वाले लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं वहां पर सांस लेने में दिक्कत फेस करनी पड़ती है। अब दोस्तों यहां पर जो फाइनल और जो लास्ट कैटेगरी है वो है 400 to 500, यानी कि 401 से लेकर 500 तक। ये जो कैटेगरी है ये इतनी ज्यादा खराब होती है कि यहां पर लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम, आंखों में जलन की प्रॉब्लम होती है, और यहां पर जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं उनको यहां पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।